नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने चैनल एवरग्रीन डूड पर स्वागत है। आज का टॉपिक 5G रहने वाला है। जो सवाल आपके मन में 5G को लेकर उठ रहे हैं, उन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहेंगे, तो बने रहें अंत तक हमारे साथ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। 5G पर वो जानकारी जो आपको शायद ही कहीं मिले, वो जानकारी हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। 5G तकनीक की टेस्टिंग को हरी झंडी मिल गई है, आप सभी जानते हैं। देश की बड़ी टेलीकॉम कंपनी इसमें हिस्सा ले रही हैं। भारत में फास्ट इंटरनेट के दीवानों का सपना सच होने के एक कदम और नज़दीक पहुंच गया है। भारत में 5G तकनीक का ट्रायल शुरू करने की परमिशन सरकार ने दे दी है। इसकी मांग लंबे वक्त से टेलीकॉम कंपनियाँ कर रही थी। बता दें कि 2 साल पहले सरकार ने दिल्ली में आयोजित इंडियन मोबाइल कॉन्फ्रेंस के दौरान सिर्फ एक परिसर यानी कि निर्धारित क्षेत्र के भीतर इसके ट्रायल की परमिशन दी थी। लेकिन अब यह ट्रायल आपके गांव या आपके शहर हर जगह करने की सरकार ने मंजूरी दे दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 5G क्या है और इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, इंटरनेट की दुनिया इससे कैसे बदलने वाली है, क्या यह सेहत के लिए नुकसानदायक है। ऐसे ही कई बेहतरीन सवालों के जवाब हमने तलाशे हैं, जो कुछ इस तरीके से हैं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो जो पहला सवाल आपके मन में बनता है कि 5G के ट्रायल क्यों हो रहे हैं। हाई स्पीड इंटरनेट की 5G तकनीक के ट्रायल की मंजूरी सरकार ने दे दी है। दूरसंचार मंत्रालय के सचिव अंशु प्रकाश ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया कि इस तरह के ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनकी वजह से 5G ऑक्शन और उसकी सर्विस शुरू करने में जो गैप होता है वह घट जाता है। पहले स्पेक्ट्रम ऑक्शन के बाद ही ट्रायल होते थे, लेकिन इस बार हम पहले कर रहे हैं। इससे 5G आम लोगों तक जल्दी पहुंचेगा। अब आगे बात आती है कि कहां होंगे 5G के ट्रायल। इसका भी बहुत ही साधारण सा जवाब है, हर टेलीकॉम कंपनी को 5G का ट्रायल हर तरह के इलाके में करना होगा। मतलब हर कंपनी को गांव, कस्बे, शहरों के स्तर पर 5G टेक्नोलॉजी का ट्रायल करना होगा। इसे सिर्फ शहरी जगहों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। इसके लिए कंपनियां अपना तकनीकी सेटअप ट्रायल वाली जगहों पर करेंगी। देश भर में 5G उपकरण लगाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। दूरसंचार मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दूरसंचार कंपनियों को 5G के ट्रायल के लिए अभी 6 महीने का वक्त दिया गया है। ट्रायल के वक्त भी इसे कमर्शियल सर्विस के रूप में शुरू किया जाएगा। हालांकि इसका एक्सेस सीमित 5G डिवाइसेस तक ही होगा। 5G से जुड़ा सारा डाटा भारत में स्थित किसी सर्वर में स्टोर किया जाएगा। कौन सी कंपनियां कर रही हैं 5G का ट्रायल? साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल फिलहाल में ही ट्रायल के लिए सरकार ने मंजूरी दी है। तो देश में 5G के ट्रायल के लिए भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL के आवेदन आए हैं और ये टेलीकॉम कंपनियां ही ट्रायल में हिस्सा लेंगी। इन कंपनियों ने 5G उपकरण के लिए एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट जैसी कंपनियों के साथ टाइप किया है। क्या कोई चाइनीज कंपनी भी इसमें हिस्सा ले रही है? इस बात को भी आप सोच रहे होंगे। चीन के साथ खराब रिश्तों के चलते इस ट्रायल से चीन की 2 बड़ी कंपनियां दूर हैं। एक कंपनी का नाम है हुआवे और दूसरी का ZTE। ये चीन ही नहीं, दुनिया में टेलीकॉम उपकरण बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियां हैं। इन कंपनियों के साथ किसी टेलीकॉम कंपनी ने ट्रायल के लिए अनुबंध नहीं किया है। माना जा रहा है कि सरकार चीन को इस ट्रायल से दूर रखना चाहती है, इसलिए कंपनियों ने ऐसा कदम उठाया है। हालांकि इंडियन एक्सप्रेस ने टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अधिकारी के हवाले से लिखा है कि किसी टेलीकॉम कंपनी ने हुआवे और ZTE के इक्विपमेंट इस्तेमाल करने की इच्छा नहीं जताई। ऐसे में मना करने का सवाल नहीं है। 5G आने से स्पीड में ऐसा क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये भी आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ लोगों को इसका पता भी है। एक शब्द में कहें तो 5G मतलब तेज इंटरनेट स्पीड, 4G के मुकाबले करीब 100 गुना तेज। और जब वायरलेस इंटरनेट तेज हो जाएगा तो चीज़ें सिर्फ
जिस प्रकार से आप YouTube के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं या Netflix पर वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक ही सीमित नहीं रहेगा। ऑटोनोमस व्हीकल्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज़ें भी आम होने लगेंगी, मतलब कि अपने आप चलने वाली कार, स्मार्ट होम आदि जैसी चीज़ें भी आसान हो जाएंगी। ये सभी तकनीकें तैयार हुई पड़ी हैं या अपने अंतिम चरण में हैं। हमें भले ही 4G तकनीक भी तेज़ लगती हो, लेकिन तकनीकी तौर पर वह उतनी फास्ट है नहीं। कभी कभी आपने भी महसूस किया होगा कि वीडियो कॉल पर बात करते हुए आवाज़ और वीडियो का तारतम्य बिगड़ जाता है। यह इंटरनेट की लेटेंसी या दर से रिएक्ट करने की वजह से होता है। सोच कर देखें, अगर इसे इंटरनेट के जरिए किसी कार को कमांड दिया जा रहा हो तो क्या होगा? कमांड में कुछ सेकंड की देरी भी जान खतरे में डाल सकती है। ऐसे ही कई काम हैं जिसके लिए बेहतर और तेज इंटरनेट चाहिए। ये सपना 5G साकार करेगा। 5G के लिए अलग से टावर लगेंगे या 4G वालों से ही काम चल जाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। सुनने में भले ही 5G अब अगले स्टेज की तकनीक लगती है, लेकिन इसके साथ बहुत तामझाम जुड़ा हुआ है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेलीकॉम कंपनियों को 5G के लिए एंटीना और टावरों का नया और सघन जाल देश भर में फैलाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि 5G आने के बाद 4G ख़त्म नहीं होगा, मतलब पहले की तरह नहीं कि 3G आया तो 2G को बाय बाय और 4G आया तो 3G को बाय बाय। इंटरनेट की 4G तकनीक रहने वाली है। इसके साथ ही एक हाई स्पीड इंटरनेट का जाल तैयार होगा। 5G नेटवर्क के लिए हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होगा, जो कि पहले यानी 4G और 3G में नहीं होती थी। ये हाई फ्रीक्वेंसी वाला फंडा आप एक उदाहरण से समझिए। रेडियो पर पहले मीडियम वेव और शॉर्ट वेव पर विविध भारती आदि चैनल आते थे, दिल्ली से ब्रॉडकास्ट होते थे और दूरदराज एरिया तक में भी वो सुनाई देते थे। फिर आया बेहतरीन साउंड क्वालिटी FM रेडियो, लेकिन दिल्ली का FM दिल्ली में सुना जा सकता है, उसे कहीं और नहीं सुना जा सकता। कारण, FM रेडियो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के मुकाबले हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स पर काम करता है। हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स की रेंज काफ़ी कम होती है। इन हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स के साथ बस एक यही दिक्कत है, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स से बिना नुकसान के डेटा तेज़ी से भेजा जा सकता है, लेकिन ये वेव्स बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। इन्हें बिल्डिंग और रास्ते में दूसरी रुकावटें पार करने में बहुत दिक्कत होती है। कई बार बरसात टाइप की चीज़ भी इन्हें आगे जाने से रोक सकती है। अब इसका उपाय यही है कि कम दूरी पर ज़्यादा टावर लगाए जाएं। 5G के टावर 4G के टावरों के मुकाबले छोटे और ज़्यादा पास होंगे। जहाँ तक 4G के टावर से काम चलता था, वहाँ 10 5G टावर तक लगाने पड़ सकते हैं। हालांकि टावरों की संख्या लोकेशन और यूजर्स की सघनता पर भी निर्भर करेगी। अब आगे हम वह सवाल लेने जा रहे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा चिंतित आजकल कर रहा है, आपके शरीर के ऊपर 5G का प्रभाव। साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एवरग्रीन डूड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही ज्ञानप्रद वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे और लगातार लाते रहेंगे। ज़्यादा टावर मतलब ज़्यादा वेव्स, कहीं 5G शरीर के लिए नुकसानदायक तो नहीं? ये भी बहुत ही अहम सवाल है। जब से वायरलेस तकनीक आई है, इसे लेकर लोगों में भ्रम बना हुआ है। अभी हाल ही में 5G तकनीक के ऊपर पड़ताल की गई और उसमें उस दावे की पड़ताल की गई जिसमें बताया गया था कि 5G की वजह से किसी भी चीज़ को छूने से करंट लग रहा है। इस दावे की जांच करने पर यह गलत निकला। रेडिएशन के भय को दिमाग से निकालने के लिए आपको इसके पीछे की साइंस समझनी होगी। रेडिएशन का मतलब होता है एनर्जी का किसी सोर्स या स्रोत से बाहर आना। ऐसा हर ऊर्जा के स्रोत से होता है, मतलब आग जलती हो तो उससे गर्मी निकलती है। इससे भी शरीर के हिसाब से रेडिएशन ही माना जाता है। लेकिन कुछ तरह के रेडिएशन बीमार कर सकते हैं, वो कौन से होते हैं? खतरनाक और सुरक्षित। इस लिहाज से हम रेडिएशन को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक आयोनाइजिंग और दूसरा नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशन वह होता है जिनमें तरंगों की तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है, मिसाल के तौर पर अल्ट्रावायलेट तरंगे जैसे एक्सरे और गामा रेज। यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं।
शरीर की कोशिकाओं और डीएनए तक पर ये असर छोड़ सकती हैं। इसलिए ही कहा जाता है कि बार बार एक्सरे न कराएं, यहाँ तक कि सूरज की रोशनी में भी ज़्यादा देर बैठने को मना किया जाता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में वेवलेंथ या तरंगों की तीव्रता काफ़ी कम होती है। इन तरंगों में इतनी ताकत नहीं होती कि शरीर के साथ कोई रिएक्शन कर सकें। मिसाल के तौर पर रेडियो वाली मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और एफएम वाली तरंगें, इसी तरह की तरंगों का इस्तेमाल टीवी सिग्नल, सेलफोन, 4G और 5G तकनीक में होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने रेडियो वेव्स पर कई वर्षों तक की गई अपनी स्टडी में पाया है कि इनका इंसानों पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। 5G का डेटा पैक भारत में कितने का पड़ेगा, ये भी बहुत अच्छा सोचने वाला सवाल है। इसका अंदाज़ा अभी से लगाना थोड़ा मुश्किल है और जल्दबाजी भरा होगा, लेकिन इस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के अनुसार भारत में इंटरनेट डेटा को लेकर पहले ही काफ़ी कंपटीशन है। ऐसे में यह 4G के मुकाबले बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होगा। अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाएं तो चीन एक ऐसा देश है जो कमर्शियल 5G सर्विस शुरू कर चुका है। ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक उसने 5G के शुरुआत के वक्त 30 GB के डेटा पैक की कीमत तकरीबन 1500 रुपये रखी थी। अब यह कीमत और भी कम हो चुकी है। 5G सर्विस वाले देशों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। जो ये देश सेवा दे रहे हैं उनमें यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कृपया अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में 5G से संबंधित दी गई जानकारी अगर आपकी भ्रांतियाँ दूर करने में कामयाब हुई हैं तो इसे आप अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।